राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सरस्वत्यै नमः। बसंत पंचमी 2024। बसंत पंचमी कब? जानिए विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा विधि, मंत्र, शुभ मुहूर्त और कथा। बसंत पंचमी 2024। बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को है। प्रकृति के इस उत्सव पर माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी का महत्व, तो पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र और कथा इस प्रकार हैं। बसंत पंचमी माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी बुधवार 14 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके साथ ही इस दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। इस दिन छात्रों, कला संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर तिथि का समापन होगा। बसंत पंचमी 2024 का महत्व। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मुहूर्त शास्त्र में बसंत पंचमी की तिथि को अबुज मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने में मुहूर्त का विचार नहीं करते। बसंत पंचमी पर कई तरह के शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस बसंत पंचमी अबुज मुहूर्त में विद्या आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह और नई वस्तु की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति के इस उत्सव को महाकवि कालिदास ने इसे सर्वप्रिय चारुतर बसंते कहकर अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतु नाम कुसुमाकरा अर्थात में ऋतुओं में बसंत हूँ कहकर बसंत को अपना स्वरूप बताया है। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस त्यौहार को लेकर मान्यता है कि सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मूक, शांत और निरस थी। चारों तरफ मौन देखकर भगवान ब्रह्मा जी अपने सृष्टि सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और इसे अद्भुत शक्ति के रूप में माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ सरस्वती ने वीणा पर मधुर स्वर छेड़ा, जिससे संसार को ध्वनि और वाणी मिली। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी पर मकर राशि में मकर में चतुर्ग्रही योग। बसंत पंचमी पर बुध, गुरु, शुक्र व शनि चार ग्रह शनि की राशि मकर में चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल अपनी राशि में विद्यमान रहकर इस दिन के महात्म्य में वृद्धि करेगा। बसंत पंचमी पर इन शुभ योग व मुहूर्त में की आराधना से माता सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होंगी और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की लग्न लिखी गई थी। विद्यार्थी और कला साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा कभी विफल नहीं होती। माँ सरस्वती की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस दिन घर में माँ सरस्वती की मूर्तियाँ, तस्वीर अवश्य स्थापित करें। घर में बीड़ा रखने से घर में रचनात्मक वातावरण निर्मित होता है। घर में हंस की तस्वीर रखने से मन को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। माँ सरस्वती की पूजा में मोर पंख का बड़ा महत्व है। घर के मंदिर में मोर पंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। कमल के फूल से माँ का पूजन करें। बसंत पंचमी के दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य संपन्न कराए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इस दिन बच्चों का अक्षर आरंभ भी कराया जाता है। बसंत पंचमी में पीले रंग का विशेष महत्व है। पूजा विधि में पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। पीले रंग के व्यंजन बनाए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर
12:41 से होगी। इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5:35 तक का है। बसंत पूजा विधि, माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्यार्थी चाहें तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। माँ सरस्वती का ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें और इसी लघु मंत्र को नियमित रूप से आप अर्थात विद्यार्थी वर्ग प्रतिदिन कुछ समय निकालकर इस मंत्र से माँ सरस्वती का ध्यान करें। इस मंत्र के जाप से विद्या, बुद्धि, विवेक बढ़ता है। बसंत उत्सव नवीन ऊर्जा देने वाला उत्सव है। शिशिर ऋतु के असहनीय सर्दी से मुक्ति मिलने का मौसम आरंभ हो जाता है। प्रकृति में परिवर्तन आता है और जो पेड़ पौधे शिशिर ऋतु में अपने पत्ते खो चुके थे वे पुनः नव नव पल्लव और कलियों से युक्त हो जाते हैं। बसंत उत्सव माघ शुक्ल पक्ष से आरंभ होकर के होलिका दहन तक चलता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जैसा मौसम होता है वैसा पूरे होली तक ऐसा ही मौसम रहता है। बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी थी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया, इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का, तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए वागीश्वरी जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। बताया गया है कि इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी दिन आम्रपाली मंजरी खान की भी परंपरा है। इस दिन लेखनी पूजन भी की जाती है। कई स्थानों पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर यथाविधि पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माना गया है। इस दिन शादी विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश व खरीदारी की जाती है। कहते हैं कि इस दिन विवाह के बंधन वाले जातकों को सभी देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जोड़े का बंधन 7 जन्मों तक रहता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलको उत्सव हुआ था। इस दिन यह दिन शादी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र क्यों पहनते हैं? सनातन धर्म में बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। इस दिन पूजा में पीले रंगों का इस्तेमाल करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ शारदा की पूजा की जाती है, साथ ही उन्हें पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन पूजा में पीली चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और बुद्धि, विवेक और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। सरस्वती पूजा में पीले रंग का इतना महत्व क्यों है? ज्योतिष शास्त्र में पीले रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। बसंत पंचमी के दिन सूर्य के उत्तरायण में रहने से सूर्य की किरणों से पृथ्वी पीली हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि पीला रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है। पीला रंग तनाव कम करने में मदद करता है। यह भी कहा जाता है कि पीले रंग का वस्त्र पहनकर सरस्वती माता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं। बसंत पंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें? बसंत पंचमी के दिन क्या करें? बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। इस दिन विशेषकर विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता हासिल करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती को मोदक के लड्डू और मीठे पीले चावल का भोग लगाएं। पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है। बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस दिन पतंग उड़ाएं, गरीब बच्चों को किताबें और पढ़ाई की चीज़ दान करें। बसंत पंचमी के दिन क्या ना करें?
माँ सरस्वती को वाणी की देवी माना गया है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी गलत वाणी नहीं बोलनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा प्याज लहसुन या मांस का सेवन न करें, साथ ही किसी भी तरह का नशा करने से बचें। इस दिन किसी से बातचीत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।